नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक की उपस्थिति में 150 नर्सिंग प्रशिक्षुओं ने ली सेवा शपथ। अतिथियों ने की नर्सिंग प्रशिक्षुओं के उज्जवल भविष्य की कामना। खिचड़ी मेला खिली धूप के साथ पूरे शबाब पर, लोगों ने की जमकर खरीदारी और उठाए लुफ्त। पेट्रोल बचाओ अभियान के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने निकाली साइकिल यात्रा, कहा ऊर्जा संरक्षण के लिए जन जागरूकता जरूरी। चित्रकला प्रतियोगिता में छात्राओं ने किया सजीव चित्रण। खिचड़ी मेले में चल रहा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का विधिक सेवा कार्यक्रम, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। सिंधी समाज ने हेमू कलानी की शहादत को किया सलाम, आयोजित की विचार गोष्ठी। प्रधान संगठन की बैठक में प्रधानों की समस्याओं पर हुई चर्चा। हिंदू जागरण मंच ने किया सहभोज का आयोजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में देश के विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिभागियों ने शोध पत्रों का किया वाचन। उत्तर प्रदेश दिवस के तहत आयोजित हुई विविध प्रतियोगिता। और माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के गोरखपुर जिला इकाई चुनाव में दिग्विजय नाथ पांडे चुने गए अध्यक्ष और रमेंद्र प्रताप बने मंत्री। अब समाचार विस्तार से। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज नर्सिंग का सेवा शपथ समारोह रविवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समारोह की अध्यक्षता कर रहे राज्यपाल राम नाईक, विशिष्ट अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, जौनपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह, नर्सिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर के पी बी सिंह, कमिश्नर अनिल कुमार, जिलाधिकारी राजीव रौतेला सहित कई गणमान्य लोग व नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं उपस्थित रहीं। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दिग्विजय नाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित और एक स्वर में वंदे मातरम की गीत गाकर किया गया, जिसके पश्चात छात्रों ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। सरस्वती वंदना के बाद अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल राम नाईक को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। राज्यपाल के सम्मानित के बाद छात्राओं ने शिक्षा परिषद कुल गीत की प्रस्तुति की, जिसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने नर्सिंग कॉलेज के ऑनलाइन वेबसाइट का उद्घाटन किया। वेबसाइट के उद्घाटन के बाद कुल 150 प्रशिक्षकों छात्राओं ने हाथ में दीपक जलाकर सेवा की शपथ ली। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रशिक्षकों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में उनसे बेहतर सेवा की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार एवं स्वावलंबन प्राप्त करने वाले पाठ्यक्रम संचालित करने चाहिए। रोजगार के क्षेत्र में नर्सिंग की अपार संभावनाएं हैं। यहां से गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण व डिग्री प्राप्त करके अन्य कॉलेजों में फैकल्टी बन सकती है। वहीं अपने संबोधन में राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि विज्ञान के बदौलत कोई भी ऑपरेशन अब अत्यंत सरल हो गया है और कम समय लगने लगा है, परंतु नर्स की सेवाएँ मरीज को लंबे समय तक आवश्यक होती है। इस दृष्टि से मानव सेवा में नर्स की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशिक्षकों नर्सों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना दिया और विश्वास व्यक्त किया कि उनके ज्ञान एवं सेवा से लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा। Thank you.
स्मृति चिन्ह एवं पुस्तक दे करके उसका स्वागत करें। आदरणीय महाराज जी, I fully acknowledge, I fully acknowledge, design, permission.
ग्रहण समारोह को मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राव नाईक जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, ज्ञानी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार जी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और महाप्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, पूर्व रचना चिकित्सालय और गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, आज के इस सेवा समर्पण समारोह में उपस्थित सभी अन्य गणमान्य अतिथिगण, गोरखनाथ कॉलेज के BSc तथा JNMEMM के सभी प्रशिक्षकगण, मैं सर्वप्रथम प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राव नाईक जी का इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय राज्यपाल जी की अनुकंपा से वर्ष 2016-17 में गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने कार्य करना प्रारंभ किया था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह गोरखपुर विश्वविद्यालय का पहला नर्सिंग कॉलेज बना जिसने BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया। यह उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए इसलिए भी है कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये बातें केवल नामों तक सीमित न रह जाए, भाषणों तक सीमित न रह जाए, इसके लिए आवश्यक है कि वह जमीनी धरातल पर भी उतरता हुआ दिखाई दे और इस दिशा में गोरख स्पीड की जो परंपरा आदि से माई वीर भगवान गोरखनाथ से प्रारंभ हुई, लोक कल्याण के लिए समर्पित परंपरा जिसने शिक्षा के क्षेत्र में युग पुरुष पर अपने महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज से इस परंपरा की शुरुआत 1935 में की थी। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ कार्य होना चाहिए। मेरे पुत्र गुरुदेव अपने महंत अवैधनाथ जी महाराज ने इसी परिसर में गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय प्रारंभ किया। गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय 2003 में विधिवत प्रारंभ हुआ और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का धर्मांध क्षेत्र का सबसे बड़ा चिकित्सालय नहीं बल्कि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में उन गरीबों को जो महंगे चिकित्सा सुविधा लेने से हमेशा वंचित रह जाते हैं उनको सही सस्ती और एक विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रही है। कम समय में चिकित्सालय का कार्य पूर्वी उत्तर प्रदेश ने किया। अक्सर एक चुनौती चिकित्सालय के सामने रहती थी कि उनके पास प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ कैसे बना है।
जब भी आप देखते होंगे पूरे देश के अंदर एक प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ एक चुनौती बनी हुई है और इस दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे जिस तत्परता के साथ होने चाहिए वो अब नहीं हो पाए, क्योंकि जब 2007-08 में गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय ने नर्सिंग स्कूल प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की तो फैकल्टी नहीं मिल पाई थी, उत्तर भारत में तो कहीं नहीं मिले। आज के गुरु गोरखनाथ कॉलेज और नर्सिंग में जो भी फैकल्टी है उसमें मुझे लगता है 75 से 90 फीसदी जो फैकल्टी है वह केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से और अन्य राज्यों से आए हुए वे प्रशिक्षित और डिग्रीधारी हैं जिन्होंने नर्सिंग में उच्च डिग्री हासिल की है। उत्तर भारत में इसका सर्वथा अभाव रहा है, जागरूकता की कमी कह सकते हैं या शासन प्रशासन के स्तर पर प्रोत्साहन का अभाव कह सकते हैं। लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हो जाती है, गोरखपुर विश्वविद्यालय से इस प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित हो, 2012 से गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय ने गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्थापना की कार्रवाई प्रारंभ की, सब कुछ होने के बाद भी न गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने नियमावली में इसको शामिल किया, न उनके एकेडमिक काउंसिल ने, न उनकी स्कूलिंग काउंसिल ने इसको मान्यता दी और यह उधर में लटका रहा। एक बार गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस बात को कहा कि आप पाठ्यक्रम चला लें तो आवश्यक संशोधन कर लेंगे, मैंने कहा नहीं, जब तक विश्वविद्यालय अपनी नियमावली में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक एकेडमिक काउंसिल और स्कूलिंग काउंसिल से इस प्रकार के प्रस्ताव पारित होकर के और माननीय राज्यपाल के द्वारा जब तक उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी तब तक हम लोग कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम नहीं चलाएंगे जिससे यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ कोई प्रतिकूल असर पड़े। ये कार्यक्रम 2012 से लटका रहा, लेकिन जब राज्यपाल के रूप में आदरणीय राम नाईक जी उत्तर प्रदेश के अंदर आए और जब 2016 में मैंने उनके सामने इस बारे में लिखा कि हम पिछले 4 वर्षों से परेशान हैं और सब कुछ होने के बावजूद भी फैकल्टी है, कॉलेज का भवन है, उसकी लैब है, लाइब्रेरी है, सब कुछ होने के बावजूद भी प्रवेश इसलिए नहीं हो पा रहे कारणों से, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रुचि दी और व्यक्तिगत रूप से रुचि देने के बाद गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बीएससी के और पोस्ट बेसिक बीएससी के पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए। यह गोरखपुर विश्वविद्यालय का पहला नर्सिंग कॉलेज और पहले नर्सिंग कॉलेज के शुभारंभ के अवसर पर भी आदरणीय राज्यपाल महोदय का गोरखपुर आगमन होना था, लेकिन तब भी मौसम खराब था और यह एक संयोग है कि जब भी राज्यपाल महोदय गोरखपुर की यात्रा में निकलते हैं तो प्रकृति कहीं ना कहीं एक परीक्षा बनकर के खड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा गोरखपुर महोत्सव का जो यहाँ पर थीम की तभी बज रहा था, बड़ी गंभीरता के साथ गोरखपुर महोत्सव हर तबके की सहभागिता के साथ इस वर्ष 11 से 13 जनवरी के बीच में संपन्न हुआ। अच्छा आयोजन आयोजन समिति ने किया था, उद्घाटन में भी राज्यपाल महोदय को आना था लेकिन राज्यपाल जी इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि मौसम उस दिन भी बहुत खराब था और आज भी एक बात तो ऐसे लगा कि लगता है कि हम लोगों को ऊपर से वापस आना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा गोरखनाथ जी की प्रेरणा थी और आदरणीय राज्यपाल महोदय का भी इच्छा शक्ति थी कार्यक्रम में जाना ही है। आज यहाँ पर इस सेवा समर्पण समारोह में आदरणीय राज्यपाल महोदय स्वयं उपस्थित होकर के नर्सिंग के प्रशिक्षकों को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर गोरखस्पीड की ओर से भी उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विकास का कोई कार्य बढ़ेगा, कोई अभिनव प्रयोग आगे बढ़ेगा तो मुझे उसका स्वागत करना ही चाहिए, इस विषय में आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नर्सिंग का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है,
और ढेर सारी संभावना वाला क्षेत्र है। मेरा विश्वास है कि महिला सशक्तिकरण के जिस अभियान को लेकर के वर्तमान में देश आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आपने देखा होगा केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के कार्यक्रम चला रही है महिला सशक्तिकरण के लिए, आपने देखा होगा कि डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम हो या स्टैंड अप इंडिया में पूरे देश के अंदर प्रत्येक बैंकर्स को एक इस बात का आदेश कि एक महिला उद्यमी को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए उन्हें आसान और सरल किस्तों पर लोन उपलब्ध करवाना है। देश की गांव में रहने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में पूरे देश के अंदर संचालित हो रही है और लक्ष्य है कि 8 करोड़ ऐसे परिवारों के पास जिनके पास रसोई गैस नहीं उनको रसोई गैस उपलब्ध करवाएंगे। अनेक ऐसी योजनाएं चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार के नए कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आने वाले समय में जब बीएससी नर्सिंग के हमारे जो ये प्रशिक्षु हैं ये आगे निकलेंगे बढ़ेंगे तो उत्तर भारत में भी जो फैकल्टी की कमी है इस कमी को न केवल दूर करने में मदद मिलेगी अभी तो हम लोग चिकित्सालयों को प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ देने में भी सफल हो जाएंगे क्योंकि जो मेरे पास फिगर आए हैं कि गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहां पर जीएनएम और एएनएम के 360 प्रशिक्षुओं को और बीएससी नर्सिंग के 100 प्रशिक्षुओं को यहां पर वर्तमान में उनके पाठ्यक्रम को डिप्लोमा और डिग्री के पाठ्यक्रम यहां पर उनके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए इस नर्सिंग क्षेत्र के पवित्रता को उसकी मर्यादा को बनाए रखते हुए इस क्षेत्र में योग्य और प्रशिक्षित हम स्टाफ नर्स और फैकल्टी को समाज को दे सके और फिर समाज में न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का अभी तो प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ प्रशिक्षित नर्सिंग फैकल्टी को भी हम समाज के सामने समाज को दे सके इस दृष्टि यह एक अभिनव कार्यक्रम है। मैं आज के इस अवसर पर जब आदरणीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद इन सभी नर्सिंग से जुड़े हुए प्रशिक्षकों को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है मैं इस अवसर पर आज सेवा सदन ग्रहण करने वाले सभी प्रशिक्षकों को हृदय से बधाई देता हूँ अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ये कार्यक्रम नर्सिंग का एक कार्यक्रम होता है जब वह अपने थ्योरी कार्य से प्रैक्टिकल की ओर यानी उनका सैद्धांतिक पक्ष के बाद व्यवहारिक पक्ष का कार्य प्रारंभ होना है यानी अब ये नर्सिंग आज के बाद हॉस्पिटल के कार्य में जाकर के वहां पर प्रशिक्षण लेना प्रारंभ करेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण इनका आज के बाद प्रारंभ होने वाला है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर होता है इस अवसर पर जब स्वयं प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय और प्रदेश के कुलाधिपति सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में भी स्वयं अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आपके बीच में बता रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। जिन प्रशिक्षकों ने यहाँ पर सेवा शपथ ग्रहण आज यहाँ पर लिया है उन सबको बधाई देता हूँ विश्वास करता हूँ कि वे नर्सिंग के उच्च आदर्शों और मूल्यों की स्थापना करते हुए इस पेशे को मानव सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे और मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय इस प्रकार के कार्यक्रमों को जो रोजगार पर जो हमारे युवाओं को महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके उन्हें एक नई दिशा दे सके इस प्रकार के नए नए पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय को बनाना चाहिए क्योंकि विश्वविद्यालयों में ठहराव से जो आ गया था उस ठहराव को दूर करने का कार्य आदरणीय राज्यपाल महोदय ने किया। समय पे सत्र प्रारंभ हुआ है समय पे परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं सारे कार्यक्रम समय पर चल रहे हैं लेकिन इसके साथ ही हम उस प्रकार के कार्यक्रमों को भी दें जो रोजगार नर्सिंग का पाठ्यक्रम ऐसा है कि जो
जो 100% रोजगार से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम है और यह 100% रोजगार के साथ साथ स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने वाला पाठ्यक्रम है। बहुत सारी गरीब प्रशिक्षु बालिकाएं भी इस पाठ्यक्रम में भाग लेती है, कॉलेज भी उन्हें छोड़ देता है और प्रदेश सरकार भी उनके फीस में मदद करती है, जिससे हर बालिका अच्छी नर्सिंग का प्रशिक्षण ले सके और फिर महिला सशक्तिकरण के उस अभियान को, जो देश का एक अभियान है, इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। आज के इस अवसर पर गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से प्रारंभ हो पाया और आज गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगभग 100 ऐसी प्रशिक्षुओं को, बालिकाओं को नर्सिंग की डिग्री का कार्यक्रम पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित कर रहा है। साथ साथ डिप्लोमा में जीएनएम और ईएनएम के 360 से अधिक प्रशिक्षु यहाँ पर उस पाठ्यक्रम में भाग लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, नर्सिंग के पवित्र अभियान को, पेशे को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए वे इस प्रशिक्षण ले रही है। मैं इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय राज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं बर्माना जी और कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए गोरखपुर के गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के नर्सिंग प्रशिक्षकों के सेवा शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह जी, चिकित्सालय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, चिकित्सालय के निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर के पी पी सिंह जी, मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर एस एन सिंह जी, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी, संकाय अध्यक्ष डॉक्टर गणेश कुमार जी, प्राचार्य सुश्री डी ए संगीता जी उपस्थित, चिकित्सकगण, नर्सिंग प्रशिक्षु, सभी विद्यार्थीगण, पत्रकार मित्र, देवी और सज्जन, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 2 वर्ष के पहले जब योगी जी सांसद थे और बड़े आग्रह से बार बार इस विषय को लेकर राजभवन में आते थे कि हमारी सारी तैयारी है, हम सब कुछ अपने पैरों पर खड़ा रहकर करना चाहते हैं, लेकिन परमिशन न मिलने के कारण नर्सिंग का ये अभ्यासक्रम शुरू नहीं हो सकता है। और आज मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि उनकी जो मन की इच्छा थी वो कैसे साफ हुई है, ये देखने का भाग्य मुझे मिला और आपके आनंद में सहभागी होने का भी भाग्य मुझे मिला है। वैसे अपने उत्तर प्रदेश में 29 विश्वविद्यालय है जिसका मैं कुलाधिपति हूं और हर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होता है,
और इस समय पर इस वर्ष में 29 विश्वविद्यालयों में 4 विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि जो नए हैं, जिनके छात्र अब तक दीक्षांत समारोह में पहुंचे नहीं हैं, और जो 25 बच जाते हैं उसमें से 23 विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह पूरा हो गया है, बचे हुए दोनों का इस जनवरी महीने में पूरा होगा, और जो 23 दीक्षांत समारोह हो गए और यहाँ का शपथ ग्रहण, दोनों में मुझे एक बड़ा सुंदर ऐसा फर्क देखने के लिए मिला। ये दीप हम सबको प्रकाश दे रहे हैं, और जिस गंभीरता से इस सभागार में ये दीक्षांत शपथ विधि हो गया है, मैं संचालकों को अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से आज का ये शपथ विधि हुआ, क्योंकि शपथ विधि छात्रों पर एक प्रकार का संस्कार करने का कार्यक्रम होता है, और संस्कार के कार्यक्रम में खुशियां होती है, आनंद होता है, और हमने हाथ में जो पढ़ाई लेने का तय किया है उस पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन भी करने का कार्यक्रम होता है, और जिस ढंग से एक एक छात्र यहाँ आकर दीप जलाते थे, जिस ढंग से वापस जाते थे, और हम जो जगमगा के देख रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है इस प्रकार के कार्यक्रम को देखकर। और फिर एक दफे मैं छात्राओं का और साथ ही साथ संकाय अध्यक्ष, शिक्षकगण सबका मैं अभिनंदन करता हूं। पीछे देखा जाए तो आजादी के बाद हमारी कई प्रकार की प्रगति हुई है, लेकिन ना कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसकी जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी अब तक नहीं हुई है, और उसमें दो क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र है शिक्षा का और दूसरा है स्वास्थ्य का। जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य इसमें लोगों की तरक्की अच्छी होती है, वही देश आगे बढ़ सकता है, और धीरे धीरे निश्चित तौर पर अब 5 दिन के बाद ही, आज 21 है, 5 दिन के बाद गणतंत्र दिवस आएगा, और यदि हम 68 साल का इतिहास देखने के लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम जहां थे वहां कई मात्राओं में हम आगे आए हैं, लेकिन आगे आने के बाद भी ये दो क्षेत्र ऐसे रहे हैं कि शिक्षा और चिकित्सा, इसमें बहुत कुछ करने का बाकी है, और जिस देश का स्वास्थ्य अच्छा होता है, जिस देश की शिक्षा अच्छी होती है, वही देश आगे बढ़ सकता है, और इस भूमिका में गोलकपीठ के माध्यम से और साथ ही साथ सभी क्षेत्रों में, और अभी तो केवल गोरखपीठ में यहाँ आकर बात करूँ वो उचित भी नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ से ही बन गए हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार की गति और प्रगति उत्तर प्रदेश की हो रही है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है, अभिनंदनीय है, और देखते देखते प्रदेश में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन के कारण, जब मैं 3.5 साल के पहले आया तब का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश, इसमें एक मौलिक अंतर देखने के लिए मिल रहा है, और इसके कारण शिक्षा की जो आवश्यकता है, और शिक्षा में चिकित्सा, और चिकित्सा में भी नर्सिंग का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। मैं कोई डॉक्टरों को कम नहीं मानता, लेकिन एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है
समझ लीजिए आंखों का ऑपरेशन करता है। तो आज विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि कैटरक्ट का क्या मोतिया भाई तो कहते हैं ना उसको हिंदी में मोतिया भाई क्या है, मैं मुंबई का हूँ, मेरी भाषा मराठी है, तो कभी कभी कोई शब्द तुरंत हिंदी का नहीं आता है, हिंदी मैं सीख रहा हूँ और वैसे अच्छा बोल भी रहा हूँ लेकिन कुछ शब्द समझते नहीं है। तो मोतीबिंदु का ऑपरेशन 15 साल के पहले कोई करने के लिए जाता था तो कम से कम 1-1.5 घंटा उसका ऑपरेशन के लिए लगता था, और आज विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि मोतीबिंदु का ऑपरेशन केवल 5 मिनट में हो जाता है। अब ये विज्ञान की प्रगति है, डॉक्टरों का काम भी 1 घंटे के ऑपरेशन के बदले में 5 मिनट में होने लगा है, तब भी नर्सिंग का जो महत्व है वो महत्व बहुत है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन की तैयारी करना है, जो रुग्ण है डॉक्टर आते हैं अस्पताल में, देखते हैं रुग्ण को, जो दवा देनी है उसका प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, बताते हैं कि ऐसा होगा अच्छा होगा, ये दवा देनी है वो दवा देनी है, 5 मिनट में डॉक्टर आते हैं और फिर सलाह देकर चले जाते हैं। तो डॉक्टर का और मरीज का संबंध का दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट रहता है, लेकिन जो नर्स होती है वो नर्स का उनका संबंध 24 घंटे होता है, और इसलिए नर्सिंग के काम का बहुत महत्व है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और नर्सिंग किस प्रकार से, अगर जो भी मरीज अस्पताल में है और अस्पताल में जैसे मैंने कहा कि कोई भी ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर गए तो बाद में 24 घंटे नर्सिंग उसको देखती रहती है, और फिर नर्सिंग का एक आधा जो मरीज होता है उसको रहता है, और इसलिए नर्सिंग का ये जो काम है उससे मैं तो मानता हूँ कि कोई धर्म की सेवा से भी अधिक इस प्रकार का नर्सिंग की सेवा का कार्य है। और ये कार्य करने के लिए जो आपने प्रतिज्ञा ली है बड़ा अच्छा लगा, और एक बात की थोड़ी पीड़ा भी लगी मुझे, पीड़ा इस बात की लगी कि यहाँ इतने दीप जलाए गए हैं, आपका आपकी प्रार्थना हमने सुनी, आपके गीत हमने सुने, बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपका शपथ विधि अंग्रेजी में क्यों हो गया, अभी अगले साल में वो हिंदी में होना चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों का शपथ विधि हिंदी में होता है, मतलब जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं उनका शपथ विधि भी हम हिंदी में करवाते हैं, तो मुझे लगा कि कुछ बातें अच्छी हैं और कुछ मुझे कमी लगी तो कुलाधिपति के नाते ये मेरा थोड़ा कर्तव्य भी है। बहुत अच्छे ढंग से आपका महाविद्यालय का काम चल रहा है, ये हमारे जो EDC होते हैं ना वो बड़े खतरनाक होते हैं, हमको चिट्ठी दी उन्होंने कि अभी पायलट ने कहा है कि 10 मिनट में वहाँ पर पहुँचना चाहिए, कहना चाहता था लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें आपके सामने रखी है, मुझे 2 बातों के बारे में आपको विशेष कहना है, क्योंकि शिक्षा के बारे में सारी बात हो गई है। अब 5 दिन के बाद 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस आ रहा है, ये देश का और हमारा सबका 68वां दीक्षांत समारोह है। दुनिया का भारत यह सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश है, और यह सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश में गरीब से गरीब हो या अमीर हो, पुरुष हो महिला हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, सबको मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है। और आपने देखा होगा और आप देखते भी हैं कि लगातार संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक अपने मतदान का जो अधिकार होता है उस अधिकार के तहत अपनी सरकार बनती रहती है,
फिर वो सरकार ग्राम पंचायत की हो, वो सरकार नगर पालिका की हो, नगर निगम की हो, या विधानसभा की हो, या संसद की हो, तो यह जो हमारा जनतंत्र है वो जनतंत्र और अधिक अच्छा कैसा हो। अपने पूर्व लोगों ने बलिदान देकर स्वराज्य लाया है और स्वराज्य आने के बाद उसको सुराज्य में कैसे परिवर्तन करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी की याद दिलाने के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको बन बताऊं कि नागरिक के नाते अपना जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य हमने करना चाहिए। और इसमें फिर सरकार की विविध योजनाएं जो होती है, उस योजना में फिर वो स्वच्छ भारत की हो, ट्रेनिंग की हो, अलग अलग प्रकार की योजनाएं अपने सामने आती है। और एक बात बताकर मैं मेरा वक्तव्य पूरा करूँगा कि कभी कभी हम लोगों को मालूम नहीं होता है, ये बताइए कि आप में से अखबार के माध्यम से आपने पढ़ाई होगा कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने का निर्णय सरकार ने किया है, मालूम है आपको? जिसको मालूम है हाथ उठाओ। 15-20 लोगों को, ठीक है, मुझे लगा कि मैंने ये बताना चाहिए क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री है, मैं यहाँ राज्यपाल करके बोल रहा हूँ। और 24 तारीख को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने का जो अपनी सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निर्णय किया है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। आपको शायद मालूम होगा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ। अब महाराष्ट्र बनने के पहले मुंबई प्रांत था और मुंबई प्रांत से महाराष्ट्र और गुजरात मराठी भाषिकों के लिए, महाराष्ट्र गुजराती भाषिकों के लिए, गुजरात ऐसे दो राज्य निर्माण हुए 1 मई 1960 को। तो हम लोग हमारे यहाँ महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं, वैसे गुजरात में भी मनाते हैं, वैसे उड़ीसा में 1 अप्रैल को मनाते हैं, कई प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है वह अब तक अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता था। अब इसका नाम तो उत्तर प्रदेश हो गया है, तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कैसे हुआ। उसको तो पहले देश आजाद होने के बाद हमने संविधान का स्वीकार करने तक यूनाइटेड प्रोविंसेस ऐसा कहा जाता था, और यूनाइटेड प्रोविंसेस करके उत्तर प्रदेश अभी उत्तर प्रदेश है, लेकिन उस समय पर यूनाइटेड प्रोविंसेस ऐसा कहा जाता था। तो यूनाइटेड अपना संविधान का जब स्वीकार हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके 2 दिन पूर्व भारत सरकार ने एक आदेश निकाला और भारत सरकार ने ये आदेश निकाल कर ये कहा कि इसके आगे इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस नहीं कहा जाएगा, तो इसको उत्तर प्रदेश कहा जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश कहा जाएगा, यह आदेश 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने निकाला। तो मेरे दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन 24 जनवरी 1950 हो गया। और यह अपने प्रदेश का स्वाभिमान गरिमा हर एक के मन में होनी चाहिए। आपको आश्चर्य लगेगा कि यह उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मुंबई में गए 30 साल से चल रहा है, क्योंकि मुंबई वाले लोगों को जानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश अपना है। तो 30 साल हो गए वो करते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाना चाहिए, और फिर उन्होंने भी कैबिनेट का निर्णय करके 24 जनवरी को हर साल उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का तय किया है। और अभी तीन दिन के बाद लखनऊ में मुख्यतः अपने
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी है, मैं हूं, और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक नया आयाम उस दिन से शुरू होगा। और ऐसा नया आयाम जब शुरू हो रहा है तो मुझे लगा कि आप सब लोगों को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस क्यों मनाया जा रहा है इसकी जानकारी हो। आज जो यहाँ देखने के लिए मिला बड़ा अच्छा लगा, और ये जो सभी छात्राएं अपनी शिक्षा अच्छी तरह से पूरी करेंगे और अपने काम काज के साथ समाज की सेवा करेंगे और समाज का स्वास्थ्य अधिक उत्तम करने में लाभदायक रहेंगे, ऐसे सभी छात्राओं को मैं शुभेच्छा देता हूँ, शिक्षकों को भी शुभेच्छा देता हूँ, और चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे उत्कृष्ट इस प्रकार का ये नर्सिंग कॉलेज आने वाले दिनों में सिद्ध हो। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद, नमस्कार। गोरखपुर या यूं कहें पूर्वांचल का महापर्व खिचड़ी मेला गोरखनाथ मंदिर में अपने पूरे शबाब पर है। रविवार को खिली धूप के बीच श्रद्धालुओं ने जहां एक ओर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाए, वहीं दूसरी ओर जमकर खरीदारी की और मेले का लुत्फ उठाया। क्योंकि रविवार को कई दिनों बाद सूर्य के दर्शन हुए थे, इस वजह से मेले में आने वाले लोगों की आवाजाही भरपूर रही। लोगों ने मेले में लगे सैकड़ों दुकानों से अपने ज़रूरत के सामानों को खरीदा और बच्चों के साथ मेले परिसर में आए अलग अलग झूलों का आनंद भी उठाया। आपको बताते चलें कि खिचड़ी का ये मेला अभी एक महीने तक इसी रंग में रंगा रहेगा और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले लोगों का तांता यूं ही लगा रहेगा। दोबारा नहीं ले रहा हूँ सादा करके रहने वाले हैं आपकी बहन
एक छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। छिहत्तर सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पृथ्वी को आने वाले पेट्रोल संकट से बचाने के लिए समय समय पर भारत की नवरत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनज़र आज गोरखपुर में तारामंडल रोड पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने प्रतीक के तौर पर साइकिल यात्रा की, जिसका नेतृत्व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चीफ डिविजनल मैनेजर एस सी चौधरी ने किया। साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों में जन जागरूकता लाना था कि अगर हम इसी तरह से पेट्रोल की बर्बादी करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में हमें गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हो सके तो सप्ताह में एक बार अपने कार्यों को साइकिल के माध्यम से पूरा करें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईओसी के चीफ डिविजनल मैनेजर एस सी चौधरी ने कहा, से आप ये साइकिल रैली संरक्षण समता महोत्सव चल रहा है, जिसमें 16 जनवरी से शुरू हुआ है, 15 फरवरी तक चलेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जितना खपत जितना कम हो सके तो जनता को इसका जागरूकता करने के लिए हम लोग साइकिल रैली आज कर रहे हैं। साइकिल रैली करने का मतलब जो छोटा सा जो डिस्टेंस है भी है, वो आदमी अपना पैदल में चले, साइकिल से चले, जिससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को उत्पादन का कम से कम खपत हो और हमारा तेल का कंजम्पशन बढ़े और आगे से ज़्यादा जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए। इसके अलावा और आप क्या करते हैं? साइकिल रैली तो हो गई, इसके अलावा रैली हो गया, हम लोग आज शपथ भी लिए हैं, फिर स्कूल बगड़ा में कॉम्पिटिशन करेंगे, ऐसे कॉम्पिटिशन ड्राइंग कॉम्पिटिशन कई सारा एक्टिविटीज़ है, 15 फरवरी तक चलेगा, इसमें हम लोग तरह तरह चीज़ करते रहेंगे आगे। इंडियन नेशनल ट्रस्ट आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के तत्वावधान में सेंट जोसेफ वोमेन स्कूल में रूट टू रूट्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 छात्रों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में छात्रों ने अपने चित्रकला का परिचय देते हुए सजीव चित्रों का चित्रण किया। प्रतियोगिता के दौरान इंटेक के संयोजक महावीर प्रसाद कंदोई, ए के अस्थाना, डॉक्टर मुमताज खान, डॉक्टर के पांडे, रविंद्र मोहन त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंटेक के संयोजक महावीर प्रसाद कंदोई ने कहा, Thank you.
भारतीय सांस्कृतिक निधि जो कि विरासत एवं धरोहरों को बचाने हैं यूनेस्को से मान्यता प्राप्त संस्था है कि गोरखपुर अध्याय द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य बच्चों को, युवा पीढ़ी को अपनी भूलती हुई विरासत के बारे में जागरूक करना था। इसके प्रथम श्री राजवंत राव गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के प्राध्यापक ने अपना भाषण देते हुए बच्चों को बताया कि जब अगर विरासत से हम लोग टूट जाएंगे तो कोई भी देश या कोई संस्कृति पीढ़ी अपना उद्धार नहीं कर सकती। इस आयोजन का विषय रूप से रूप यानी बच्चों को अपनी जड़ों को पहचानने का मौका देने का या जागरूक करने का रास्ता है, जिसमें बच्चे लोक कलाओं, लोक संस्कृति, लोकाचार आदि पर एक पेंटिंग बना के उस पर संक्षिप्त नोट देंगे। इस परियोजना पूरे देश में आयोजित की जा रही है ये प्रतियोगिता, तथा समस्त जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ से दिल्ली भेजे दिए जाएंगे। वहाँ पर 15 राष्ट्रीय पुरुष विजेता, 100 क्षेत्रीय विजेता घोषित किए जाएंगे। ताकि लोगों में कानून के प्रति जागरूकता लाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से गोरखनाथ खिचड़ी मेले में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए एक स्टॉल लगाया गया। स्टॉल के माध्यम से मेले परिसर में आने वाले लोगों को पंपलेट बांटकर उनके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है। इस पंपलेट में लोक अदालतों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सभी मुद्दों पर बिंदुवार दर्शाया गया है, और साथ ही उन धाराओं को भी अंकित किया गया है जिसके अनुसार लोग आपसी झगड़े को सुलझा सकते हैं। मेले में आने वाले लोग इस पंपलेट के माध्यम से अपने विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक होते दिखाई दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राधिकरण के रितेश कुमार गुप्ता ने कहा, ये पब्लिक को जागरूक करने की दिशा में है। जैसे जो सेवा विधि प्राधिकरण जो जिला लोक अदालत भी लगती है, इसमें जन समस्याएं इसमें आमतौर पर लोगों की छोटी छोटी जो समस्याएं बड़ी बन जाती हैं उनको छोटा करके इसमें निस्तारण किया जाता है, और सबको सहयोग से अच्छी तरीके से पहल किया जाता है। और ये कैंप इसीलिए लगाया गया है कि सबको जागरूकता पहले और सभी को ये जानकारी पैदा हो कि ये कानून व्यवस्था उनके लिए है, ना कि डराने के लिए है, उनके सहयोग के लिए है। क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको मेले में? रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिल रहा है। यहाँ से अच्छा रिस्पांस हमारे गांव में मिल रहा है। जो गांव में छोटी छोटी झगड़ा हुआ करते हैं, जैसे आपसे बीवी और पति पत्नी में मेल मन मुटाव हो जाता है, तो उसको जो है इसमें आपसी सहभागिता से पहल करके उसे समझौता द्वारा उसे निस्तारित किया जाता है। सिंधी समाज की ओर से उन्हीं के समुदाय के स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी हेमू कलानी के शहादत को रविवार को जटाशंकर स्थित सिंधी धर्मशाला में सलाम किया गया। इस अवसर पर हेमू कलानी के लिए 2 बार माल्या अर्पण किया गया। उसके पश्चात गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिंधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष एस कुमार ने कहा, अध्यक्ष सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आज अमर शहीद हेमू कलानी की शहादत दिवस पे हमारे गोरखपुर कैंपस की तरफ से सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से
आज ये रखा गया था, गोष्ठी रखा गया था, जिसमें वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और फिटनेस दिया यूनों के लड़ने के योगदान के बारे में, साथ साथ हमारे सामाजिक प्रॉब्लमों को भी उन्होंने डिस्कस किया। सिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो न केवल हिंदुस्तान में है, ये पूरे वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। वर्ल्ड के लोगों के साथ भी एक अभी ट्रस्ट बनी है हमारी सिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की, जिस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग जो है यहाँ के सिंधी समुदाय के जो लोग बिलो पॉवर्टी हैं उनको मदद की जा रही है। हम लोग कुछ डिमांडें गवर्नमेंट के बीच रखी गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक हम लोग को सिंधी विकास बोर्ड देने की रिक्वेस्ट की गई है। झूलेलाल के लिए हम लोगों को जमीन यमुना नदी के बगल में लेने के लिए हम लोगों को टीवी चैनल में अपनी जगह के लिए दिया गया है। हम लोग सिंध छोड़ के हिंदुस्तान में आए हैं, हम लोग का जीडीपी में बड़ा योगदान है, भले हम लोग जो है पॉपुलेशन में कम है, हम लोग एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी योगदान दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने कुछ डिमांडें गवर्नमेंट के साथ रखी हैं और कुछ डिमांडें हम लोगों की पूरी की जा रही हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज्य ग्राम प्रधान संगठन की जिला इकाई की बैठक भगत चौराहा स्थित एक मैरिज हॉल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने किया। बैठक प्रधानों के मौलिक अधिकार को बहाल किए जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष प्रहलाद सिंह व प्रदेश महासचिव कृष्ण चंद्र वर्मा ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर प्रधान संघ के समस्याओं से अवगत कराया गया है, जिस पर योगी जी ने 29 जनवरी को वार्ता करने का समय दिया है। इकाई के प्रतिनिधियों को भावनाओं का वादा करें, भावनाओं को लेते हुए वो जो शासनादेश है उसके क्रम में जो भी अधिकार है वो पंचायतों को जो 73 संविधान संशोधन करके दे दिया गया है उसको वापस लेना है। वार के इच्छा शक्ति पर था, पूर्ववर्ती सरकारों ने, बसपा की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, जो 16 विभाग मिला था, माननीय कल्याण ज्ञान में बात डालूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके पूर्व रही जिन्होंने 16 विभाग पंचायतों को दिया, जबकि सच्चाई है कि पंचायती राज एक्ट में यह संगठन आज जो बैठक हुई है तैयारी बैठक है। हमारे 1900 ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित हैं जनपद के, 1900 ब्लॉक के अध्यक्षों द्वारा हर ब्लॉकों में हम लोग संगठन के माध्यम कि जो 73वां संविधान संशोधन के तहत 29 विभाग पंचायतों के नियंत्रण में आना है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करके सत्ता की भागीदारी राज्य सरकार को पंचायतों को दे करके स्वशासन की संस्था बनानी चाहिए, स्वशासन के संस्था बनने के उपरांत ये पंचायतें विकास योजनाओं को स्थानीय स्तर पर निस्तारण मुस्तैदी से करेगी और जो जनता की जन सहभागिता पारदर्शिता इस व्यवस्था के तहत कायम रहेगा। ये राज्य सरकारें 1994 के बाद अब तक पंचायतों को अधिकार नहीं दे पाई, जो कल्याण सिंह ने इस व्यवस्था को लागू करने का काम किया था, 16 विभाग पंचायतों के नियंत्रण में दिया था, फिर ये सपा और बसपा की सरकारें वापस लेनी। 73वां संविधान संशोधन के मूल अवधारणा को हम लोगों को लागू करा के ग्राम स्वराज के सपना को साकार करना है। हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में सामाजिक समरसता व सहभोज के कार्यक्रम का आयोजन तारामंडल रोड स्थित हनुमान मंदिर के समक्ष किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजा त्रिपाठी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत मिटाने तथा समानता का अधिकार देने के लिए किया गया था। इस दौरान समाज से वंचित लोगों के साथ बैठकर भोजन भी किया गया तथा इन लोगों को गर्म वस्त्र भी वितरित किया गया। कार्यक्रम में संघ के महानगर मंत्री मयंक पांडे, महानगर अध्यक्ष आशीष संपर्क, प्रमुख अर्पित शतानु, हिमांशु, विनीता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजा त्रिपाठी ने कहा, संघ वाले बेचारे कहाँ गए? अच्छा, इसको पीछे पीछे आगे पीछे कर यहाँ रहिए, अरे नीचे शर्ट है ना, यहाँ नहीं कोई बात नहीं, चले कहते मैं
अरे भैया चीफ जा रहा है क्या करें? मैंने बहुत अच्छा और चलो चलिए भैया हो गया भैया हट जाए हो गया। समरसता का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 6 कार्यक्रमों में सबसे प्रमुख कार्यक्रम, समाज को जोड़ने वाला, समाज को एक सूत्र में बांधने वाला और समाज को एक समान विचारधारा में ला के समरस व्याप्त करने वाला, ये सामाजिक समरसता का कार्यक्रम। एक ऐसा रस जो सभी में एक समान व्याप्त, एक भाव हो, एक विचार हो। जैसे भारतवर्ष की संस्कृति विभिन्न तमाम प्रकार की जातियां, वेशभूषा, खान पान के बावजूद हम एक सूत्र में बंधे रहते हैं, फिर क्यों ऐसी विसंगति उत्पन्न हो गई है आज के समाज में कि हम खंड खंड खंडित होके एक खंडित भारत को देख रहे हैं। हमें अखंड भारत का निर्माण करना है और अखंड भारत के अभंग स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सामाजिक समरसता का पर्व सबसे बड़ा पर्व है। इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने उन भाइयों के साथ जो बहिष्कृत हैं, जो छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच के शिकार हैं, जो समाज का शोषित दलित और उपेक्षित वर्ग है, उनके बीच जाके उनको गले लगा के उनको अपना अंशदान जिस रूप में भी आप दे सकते हो दे के सहभोज करके उनको यह एहसास दिलाना कि वो हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं और उनकी बगैर हिंदू समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसा हिंदू समाज हमें निर्माण करना है, उसी के निमित्त यह कार्यक्रम होता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के 6 दिन के दोनों सत्रों में देश के विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिभागियों ने शोध पत्रों का वाचन किया। कार्यक्रम में वाराणसी से आए डॉक्टर शोभित नाहर और अलीगढ़ से आए प्रोफेसर ब्रज रानी शर्मा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान शोध पत्र विषय पर विधिवत चर्चा भी हुई। इस अवसर पर विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उषा सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वाराणसी से आए डॉक्टर शोभित नाहर ने कहा, तो उस समय के बिना जो टॉपिक है भारतीय संगीत के मजबूत कड़ी के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय संगीत में गायन, वादन एवं नृत्य का भी समावेश माना जाता है। इसके वादन के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं का होना समझा जाता है जिसके माध्यम से संगीतात्मक ध्वनि को प्रकट किया जाता है तथा लय संबंधी अंतर्वेदों की ध्वनियात्मक प्रस्तुति की जाती है। इसलिए कहा भी गया है कि संगीत के द्वारा उत्कृष्ट अभिव्यंजना का जितना अधिक विस्तार वाद्य संगीत में संभव है उतना संबंधता गान एवं नृत्य में। ललित कला के अंतर्गत लयात्मक तत्व सौंदर्य के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यशाला का आयोजन है। सप्त दिवसीय कार्यशाला जो संगीत एवं ललित कला विभाग गोरखपुर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित है और ये बड़ा ही सुंदर, बहुत ही प्रशंसनीय है ये कि इस तरह के विश्वविद्यालय में और ऐसे विभाग में इस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं। तो यहाँ 16 तारीख से ये कार्यशाला प्रारंभ हुई है और आज जो है वो ये षष्ठी दिवस है इसका। तो आज ये पत्र लेखन, पत्र परिपाठी ये चल रहा है। इसके अंतर्गत भारत देश से बहुत से जगहों से यहाँ पर इसके प्रतिभागी आए, शोध के भी आए जो शोध कर रहे हैं, कई शिक्षकविद भी आए हैं और हमारे जो इस कार्यशाला में जो विषय विशेषज्ञ आए वो मध्य प्रदेश और आपके उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से भी आए। उन्होंने अपना भरपूर समय दिया और बहुत योगदान रहा उनका। यहाँ के जो छात्र इस कला के क्षेत्र में अपना जो कुछ कम देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन्होंने भरपूर समय दिया उन्हें। ये बड़ा ही प्रशंसनीय है और आगे भी हम ये चाहेंगे कि ऐसी ये कार्यशाला यहाँ आयोजित हों। इससे कला का भी मान बढ़ता है, कला क्षेत्र बढ़ता है और जैसा कि हमारा भारतीय जो परिदृश्य है कि उसमें कला का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग भारतीय कला के प्रति, पूरा हमारी संस्कृति ही कला के आधारित है। ये कला का ये जो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा सुखद संयोग रहा है ऐसा और ये आगे भी हो, हम ऐसी प्रशंसनीय कार्य के लिए सबका पूरा मेरा समर्पण भाव है इस बात में लिए। ये जो इसमें शीर्षक रहा ये कार्यशाला का कि इसमें जो ललित कला के अंतर्गत लयात्मक तत्व सौंदर्य के बारे में बात हो रही है, इसमें जैसे कि यहाँ पर संगीत में हमारे गायन, वादन और नृत्य होता है, उसी प्रकार से यहाँ ललित कला के अंतर्गत
जो कला है उस कला में यहाँ पर पेंटिंग है, अप्लाइड आर्ट्स है और उनके मूर्ति कला है, इन सब में है। तो उन्हीं के परिदृश्य में ये सौंदर्य पक्ष को लेते हुए यहाँ ये कार्यशाला आयोजित है। तो इसी कला के जितने भी विषय विशेषज्ञ रहे, जैसे एक आए ग्वालियर से महानुभव, बड़े ही विद्वान जन थे, उन्होंने अपना 4 दिन का भरपूर समय दिया और उन्होंने लैंडस्केप पेंटिंग के बारे में बच्चों को यहाँ बताया। अब उस पेंटिंग में एक पेंटिंग मतलब अब हम वो कैनवास लेके पहला ब्रश चलाना और अंत में हम क्या हम बनाने जा रहे हैं, कला अपने कलाकार बनाते समय अपने मन में किन किन भावों को लाके क्या वो सोचता रहता है, उसका एक क्रम से उन्होंने पूरा वो उसको बताया है और वो कैसे हम सौंदर्य सामने लाएं, हम क्या बनाने जा रहे हैं उसके प्रति पूरा सौंदर्य भाव उन्होंने इसमें दिखाया है। और इसी प्रकार से संगीत में यहाँ पर एक गायन की विशेषज्ञ आई थी जो भोपाल से आई थी, उन्होंने अपने गायन में उन्होंने विभिन्न रागों के माध्यम से कैसे सौंदर्य लाया जाता है, उसी गायन में हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो रागों में कैसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है या काव्य हम किन रागों में कैसे इस्तेमाल करेंगे। छोटा सा एक उदाहरण है कि यदि हम सुबह कोई राग गा रहे हैं तो सुबह के समय में हम ईश वंदना करते हैं तो उन रागों में ईश वंदना से ही संबंधित काव्य शामिल रहते हैं हमारे, तो वैसी चीज़ों को सौंदर्य के दृष्टिकोण से दिखाते हुए इसमें यह चीज़ें की गई हैं ताकि उन बच्चों को ये समझ में आए कि हम जो करें, हम जो कला जब अपने सामने किसी के सामने प्रस्तुत करें तो उसमें हर सौंदर्य निहित होना चाहिए, ये इसका विषय विशेष रहा इसमें। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर लखनऊ में मंडल स्तर से चयनित कलाकारों को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा, जिसमें मंडल स्तर से भाग लेने के लिए आवेदन किए गए दलों की रविवार विजय चौक स्थित एक एकेडमी में विविध प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें अनन्या सिंह के दल को प्रथम स्थान, सिद्धार्थ नगर के अंशुमान मौर्य के दल को द्वितीय एवं इंदु गुप्ता के दल को तृतीय स्थान मिला। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपर आयुक्त न्यायिक अशोक सिंह ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से लोक कलाओं को आगे लाने में बहुत अच्छा मंच मिलेगा, सभी प्रतिभागियों ने अच्छा प्रयास किया है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि यहां से जाने वाले प्रतिभागी उत्तर प्रदेश दिवस में मंडल की ओर से अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल की भूमिका में हरिप्रसाद सिंह, उप निदेशक बौद्ध संग्रहालय डॉ. मनोज गौतम, राकेश श्रीवास्तव, रंगकर्मी प्रेमनाथ रहे। माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के नई कार्यकारिणी के मतदान के बाद मतगणना सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया। मतगणना में अध्यक्ष पद पर दिग्विजय नाथ पांडे, मंत्री पद पर रमेंद्र प्रताप चंद्र, कोषाध्यक्ष पद पर अजय कुमार शुक्ला तथा आय व्यय निरीक्षक पद पर संजय कुमार मिश्रा निर्वाचित हुए हैं। 9 निर्वाचित पदाधिकारियों को शिक्षकों ने बधाई दी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चुनाव अधिकारी अवधेश सिंह ने बताया। डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव, डॉक्टर ब्रजेश पंडित पाटिल, मजबूर था डॉक्टर दिग्विजयनाथ पांडे, नाथ पांडे श्याम नारायण सिंह, डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव, अजय कुमार, संजय कुमार मिश्र, आशुतोष गौतम, डॉक्टर ब्रजेश पंडित त्रिपाठी, मजबूर ज्ञान नारायण सिंह, डॉक्टर ब्रजेश पंडित त्रिपाठी, संजय कुमार मिश्र। ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में जिला गोरखपुर का जिला जग देवरिया के निर्वाचन अधिकारी बनाने के बाद आज का चुनाव हुआ, जिसमें निम्न लोग चुनाव विजयी घोषित किए गए। उसमें डॉक्टर दिग्विजय नाथ पांडे जी 64 वोट से जीते, मंत्री के लिए रामेंद्र प्रताप चंद 4 वोट से जीते, कोषाध्यक्ष के लिए अजय कुमार शुक्ला 39 वोटों से जीते, आय
हाईवे निरीक्षक संजय कुमार मिश्र को विजयी 14 वोटों से हुआ। माध्यमिक शिक्षक संघ के ये सब पदाधिकारी जीते हैं। ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में काम करते हैं और उनके नेतृत्व में काम करेंगे। ये विजय इनकी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने एक महीने से चुनाव का बिगुल बजा था, उस बिगुल में इन्होंने अपना योगदान दिया और अपने साथियों को जो प्रतिनिधि के रूप में चुन कर आए थे उन्होंने इनको वोट दिया और प्रतिनिधि के बल पर, क्योंकि पाँच के बाद एक प्रतिनिधि बनाए जाते हैं, उनके बल पर ये चुन के आए हैं। ये अब भविष्य में हमारे जिले का गोरखपुर मंडल का अच्छा काम करेंगे, हमारी शुभकामना इनके साथ है। और देखिए नहीं आ रहा हो तो बहुत बहुत बधाई आपको, जल्दी आ जा सर, देखिएगा जी। शर्मा ध्रुव त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, त्रिपाठी। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि शिक्षक सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रहे। शिक्षक सम्मान और स्वाभिमान से कोई ये टीम समझौता नहीं करेगी। और शिक्षकों की जो भी विधि सम्मत मांगे हैं, तर्क संगत मांगे हैं, उनके लिए हम लोग आगे आकर के लड़ेंगे। शिक्षा विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रहार करना, भ्रष्टाचार को दूर करना, शिक्षकों का काम बिना घूसखोरी बिना धमकाई के ईमानदारी से कराना, शिक्षक समस्याओं के लिए सड़क से लेकर यहां से लेकर लखनऊ तक जो भी चीज भी संघर्ष की आवश्यकता होगी हम सभी लोग एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक की उपस्थिति में 150 नर्सिंग प्रशिक्षुओं ने ली सेवा शपथ। अतिथियों ने की नर्सिंग प्रशिक्षुओं के उज्जवल भविष्य की कामना। खिचड़ी मेला खिली धूप के साथ पूरे शबाब पर, लोगों ने की जमकर खरीदारी और उठाए लुफ्त। पेट्रोल बचाओ अभियान के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने निकाली साइकिल यात्रा, कहा ऊर्जा संरक्षण के लिए जन जागरूकता जरूरी। चित्रकला प्रतियोगिता में छात्रों ने किया सजीव चित्रण। खिचड़ी मेले में चल रहा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का विधिक सेवा कार्यक्रम, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। सिंधी समाज ने हेमू कलानी की शहादत को किया सलाम, आयोजित की विचार गोष्ठी। प्रधान संगठन की बैठक में प्रधानों की समस्याओं पर हुई चर्चा। हिंदू जागरण मंच ने किया सहभोज का आयोजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में देश के विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिभागियों ने शोध पत्रों का किया वाचन। उत्तर प्रदेश दिवस के तहत आयोजित हुई विविध प्रतियोगिता। और माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के गोरखपुर जिला इकाई चुनाव में दिग्विजय नाथ पांडे चुने गए अध्यक्ष और रमेंद्र प्रताप बने मंत्री। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।